नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएम न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अवर अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पहले चरण में 78 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र आज जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में 12 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं 16 अवर अभियंताओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी प्रक्रिया अभी गतिमान है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा अनफ्रीज किए गए 60 अवर अभियंता के पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य का निर्वहन करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जनसेवा के लिए जो भी कार्य मिलता है उसे सभी अभ्यर्थी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। पहले दिन से कहा था, जिस दिन से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, कि हम सभी नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देंगे। जितने भी खाली पद हैं, जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, वहाँ सब जगह पद निकालेंगे। आज मुझे खुशी है कि 184 लोगों को आज नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई है। उन सभी को नियुक्ति पत्र मिले हैं। सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और UPCL के सभी अधिकारियों को, उनके विभाग को। उन्होंने अच्छा काम करके इतनी नियुक्तियों को निकाला है, और नियुक्तियां निकाली ही नहीं है, उन नियुक्तियों में ज्वाइनिंग भी दी है। इसलिए सब बधाई के पात्र हैं, और जिनको आज ये नियुक्ति मिली है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलवाई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण हुआ। चिकित्सा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण पर बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस नवीन परिसर में बनने से इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इसका और विस्तार होगा। आने वाले समय में ये सेंटर प्रमुख सेंटर के रूप में विकसित होगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय का ये नवीन परिसर का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर काफी सारे हॉल, यहाँ पर अलग अलग रूम, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। इस क्षेत्र में, इस नवीन परिसर के बनने से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और इसका विस्तार होगा, और एक अच्छे सेंटर के रूप में यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होगा। कुछ यहाँ पर बुनियादी अवस्थाएं, सुविधाओं की आवश्यकताएं हैं। इन चिकित्सा सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने हर संभव कहा है कि हर संभव हम लोग इसके लिए आगे बढ़ाएंगे, उसमें काम करेंगे। और ये सेंटर आने वाले समय में एक हमारा प्रमुख सेंटरों के रूप में से जाना जाएगा, प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सर, पुराने स्थान केंद्र के लिए सर एक मांग उठी है, विधायक जी ने भी, मंत्री जी ने भी की है, उसके लिए हमने कहा है, उस पर अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। उसका रास्ता निकल, लोगों की कैंसर से मौत हुई है, 12,000 त्वचा रोगी है, 22,000 सांस के रोगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब हेली सेवा से जोड़ने जा रही है। अल्मोड़ा के टाटिक में बने हेलीपैड का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 3,71,00,000 का बजट दिया है, जिसका निर्माण जल्दी हो जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि टाटिक का हेलीपैड छोटा हो गया था, जिसको बढ़ाया जा रहा है, और इसके बनने से क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा, जो कि अल्मोड़ा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और बताना चाहता हूँ, ये टाटी का गांव है, आपने देखा होगा हेलीपैड बना है यहाँ पर, हेलीपैड छोटा हो गया है। हमारी सरकार हेली सेवाओं को प्रमोट कर रही है, हेली सेवाएं आगे बढ़े। बाहर का पर्यटक यहाँ हेली सेवा से आए, हम यहाँ को जाने के लिए तैयार होंगे, और यहाँ से भी हमारा नज़दीक बढ़ेगा, बहुत सस्ता है उसमें हमारी किराया है। तो इसको 3,71,00,000 रुपया इस हेलीपैड के लिए हमारा आ चुका है, टेंडर हो चुके हैं। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने गन्ना किसानों के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 100 मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री केंद्र सहित गन्ना समिति की वेबसाइट और किसानों का इंक्वायरी कार्ड का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि गन्ना समिति उत्तराखंड की अन्य समितियों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि ये समिति गन्ना किसानों के लिए आदर्श स्थापित होगी। वहीं लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति की चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने कहा
की योजना गन्ना किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आज लिब्बा रेडी जो हमारी सहकारी गन्ना विकास समिति है उसमें कृषक इंक्वायरी योजना का शुभारंभ किया गया। अब जो हमारे गन्ना किसान हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड अपना मशीन में लगाएंगे, उनको तत्काल उनके पूरी गन्ने की जानकारी, कितना गन्ना उनका अभी बाकी बचा हुआ है, कितना शुगर मिल में चला गया, कितने रकबे में गन्ना बुआई की थी, वो सारी की सारी जानकारी गन्ना किसानों को एक मिनट के अंदर मिल जाएगी। बहुत अच्छी योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे इस क्षेत्र के गन्ना किसान भाई हैं इस योजना का लाभ उठाएंगे और इस योजना को अब हम जितनी भी हमारी समितियाँ पूरे प्रदेश के अंदर गन्ना समिति हैं इस योजना को वहाँ पर भी हम लोग लागू करेंगे। देखिए आज इस सहकारी गन्ना समिति लिब्बरेडी के 3 योजनाओं का लोकार्पण माननीय गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी ने यहाँ पर किया है। इसमें एक तो हरजुल्ली जट में 100 मीट्रिक टन का हमने गोदाम उर्वरक बिक्री केंद्र खोला है, उसका लोकार्पण यहाँ किया है और एक समिति की वेबसाइट हमने बनाई है उसका भी शुभारंभ यहाँ किया गया है। और एक जो सबसे अलग काम यहाँ पर हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं नहीं है और उत्तराखंड में भी कहीं किसी भी समिति में नहीं है, हमने किसानों के कार्ड बनवाए हैं पहचान पत्र, उसमें किसान का फोटो है, नाम है, पिताजी का नाम है, कृषक कोड है, यूनिक कोड है, उसकी जन्मतिथि है और उसमें एक विशेष चिप लगी हुई है और उस चिप को यहाँ पर हमने क्यूएस मशीन लगाई है। उस विधानसभा चुनाव मिशन 2022 को लेकर हल्द्वानी के बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में दर्जनों लोगों को भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और नगर निगम की मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई गई, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भी विकास कार्यों और लोगों की समस्याओं का लगातार निवारण किया जा रहा है। उनका कहना है कि आगामी चुनाव में भाजपा राज्य में 60 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कामों से प्रभावित होकर आज हल्द्वानी में दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उन सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इन्हीं के कारण लगातार लोगों के जुड़ने के कारण लगातार लोगों की भारतीय जनता के पार्टी के प्रति समर्पण के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता देश ही नहीं तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया में बुलंदियों को छू रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है, उत्तराखंड का समुचित विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रयासों को अमलीजामा पहना रहे हैं। एक युवा और तेजतर्रार साथ ही सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने वाले निर्मल जी और दीपक जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सभी समर्थकों के साथ यहाँ पर आज ज्वाइन किया है। महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सुरेश भट्ट जी के और मेरे सम्मुख उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं समझता हूँ कि इससे पार्टी बहुत सशक्त होगी क्योंकि काफ़ी सामाजिक कार्यों में ये और इनके पूरे समर्थक लगे रहते हैं। और आगामी 6 जनवरी को लालकुआ के बेरी पड़ाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य की होने वाली विशाल जनसभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। वहीं जनसभा सफल बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने अपने हल्दू चौड़ स्थित कार्यालय में युवाओं के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने दावा किया कि भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। भाई 6 तारीख को बेरी पड़ाव में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री हरीश रावत जी व उनके साथ हमारे पूर्व में 2 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री यशपाल आर्य जी, वो दोनों एक जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे और उसमें भाजपा के कई बड़े नेता
जैसे कि शंकर जोशी जी जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है खड़गपुर के, और उनकी श्रीमती किरण जोशी जी उनकी पत्नी जो पूर्व में बरेलीरोड से जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, और उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री जी के स्वागत के लिए हम लोग जो है हज़ारों की संख्या में जो है कांग्रेस जन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और जिससे कि जैसा कि सबको लग रहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार यहाँ। हल्द्वानी के काट गोदाम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 में हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला ने अमृत योजना के तहत सड़क बिजली पानी के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। जहां अमृत योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 100 रुपए पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा, तो वहीं नगर निगम के मेयर जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ की सौगात दी थी, उसका पत्र नगर निगम को मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। नगर क्षेत्र में हम लोग पेयजल पुनर्गठन का लोकार्पण करने आए हैं। यह क्षेत्र में कई लोगों के पास आर्थिक अपवंचित होने के कारण कनेक्शन भी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पेयजल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे आर्थिक अपवंचित लोगों के लिए निःशुल्क तो नहीं कहूँगा 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन की सुविधा दी है, और हम लोगों ने यहाँ पर आज कैंप लगाया। इसी तरह हम लोग सभी क्षेत्रों में कैंप लगाकर ये कनेक्शन को करेंगे, जिससे लोग लाभान्वित हों, उनको दफ्तरों में भटकना ना पड़े, और जो जो कागज हैं उनको हम उन्होंने अभ्यर्थियों ने मुहैया कराना है सब डिपार्टमेंट में, और तत्काल प्रभाव से कनेक्शन करें, सामग्री आवेदक को लानी है, बाकी विभागीय जो संयोजन का मूल्य होता है वो 100 रुपया है। इससे पहले कितने का थी? इससे पहले 69 100 रुपीज़ में कनेक्शन मिलता था, अब 100 रुपये में मिल रहा है, तो लगभग काफ़ी लाभ लोगों को मिल रहा है, और लोगों सबके घर में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए मैं हमारी भारतीय जनता। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।